The English School and the Vernacular School are both under one Superintendent. Suppose that the Superintendentship and the four teachership of English and Vernacular school each are vacant. If there are altogether eleven candidates for the appointments, three of whom apply exclu exclusively for the Superintendentship, two exclusively for the appointment in the English school, the number of ways in which the different appointments can be disposed. तो अगेन अगर मैं यहाँ से देखूँ तो हमारे पास में टोटल कितने पोजिशन है थी एक सुपरिनटेंडेंट की है जिसे मैं एस से, से रिप्रेजेंट करता हूँ है ना और हमारे पास में टोटल टीचरशिप की कितनी है फोर वर्नेक्युलर स्कूल में तो वर्नेक्युलर स्कूल में हमारे पास में फोर टीचरशिप की हैं और इंग्लिश स्कूल में भी हमारे पास में फोर टीचरशिप की हैं अब हमारे पास में टोटल इलेवन कैंडिडेट्स हैं उनमें से थ्री एक्सक्लूसिवली हैं जो सिर्फ सुपर पे अप्लाई करते हैं तो अब हमें पता है सुपर इंटेंडेंटशिप की एक पोजीशन है ओनली अंडर लिखा हुआ है तो बोथ तो कितने वेज में से हम क्या बोलते हैं थ्री सी वन ओके नाउ अब अगेन हमें गिवन है कि थ्री ने तो स्पेसिफिकली सुपर के लिए अप्लाई किया हुए तो कितने हो गए हमारे पास में इलेवन माइनस थ्री एट एट तो अब एट ने क्या करा है एट ने अप्लाई किया किसके लिए टीचरशिप की जॉब के लिए है ना इन दोनों किसमें इन दोनों स्कूल्स में ना अब इसमें भी हमें गिवन है कि जो स्पेसिफिक टू पर्सन है उन्होंने अप्लाई किया है सिर्फ इंग्लिश वाले स्कूल के लिए ही तो मींस अब हमें पता है एट वैकेंसीज हैं और एट लोगों ने अप्लाई किया तो सबके सब सेलेक्ट सब हो जाएंगे बिकॉज एट ओपनिंग्स हैं तो सबके सब सेलेक्ट सब होंगे लेकिन उसमें जो ये स्पेसिफिक टू हैं ये क्या होंगे केवल इंग्लिश स्कूल में ही हो सकते हैं ठीक है तो मीन इन दो को तो हमने यहाँ पे फोर जो हमारे पास में पोजिशन थी उनमें से दो तो ये ऑलरेडी हमारी रिजर्व हो गई है अब बचे हुए टोटल सिक्स पर्सन क्योंकि टू ऑलरेडी आ जा चुके हैं तो इन एट में से कितने बचे अब हमारे पास में सिक्स इन सिक्स में से इन टू पोजिशन के लिए हमें टू परसन चूज कर लेता हूँ तो सिक्स सी टू टोटल कितने और जो ऑटोमेटिकली फोर पर्सन बचे होंगे वो क्या होंगे हमारे वर्निक्यूलर स्कूल में क्या होंगे सिलेक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास में टोटल वेज कितने हो गए सेलेक्ट करने के सुपर इंटेंडेंट के लिए कितने हो गए के इक्वल अब अगेन ये तो अभी हमने टीचर्स सेलेक्ट करे लेकिन टीचर्स को हम यहाँ कितने वेज में रीअरेंज कर सकते हैं टीचर्स को हम रीअरेंज कर सकते हैं यहाँ पे इंटू फोर फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल वेज में दोनों स्कूल में हम रीअरेंज कर देंगे फोर फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल में तो टोटल हमारे पास में कितना होता है फोर फैक्टोरियल की के वे ट्वेंटी फोर था अगर ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी फोर इंटू सिक्स थ्री तो फोर्टी फाइव और इस पूरी वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करते तो आता है इक्वल टू ट्वेंटी हंड्रेड ट्वेंटी आती है वैल्यू ट्वेंटी डी